नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जॉब अपडेट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हीरो मोटर कॉर्प का जो प्लांट है गुजरात में, उसके लिए यहाँ पे ITI वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको दोस्तों इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपकी जो सारा डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो कौन कौन से ईयर वाले ITI वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे अगर आपने ITI 2016, 17, 18 या फिर 19 में पास किया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपने ITI 10th प्लस ITI NCVT और GCVT यानी कि गुजरात बोर्ड से किया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूं कि इसमें जो है ओनली गुजरात के कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल है, लेकिन इस फॉर्म में जो है दोस्तों जब आप अप्लाई करने जाओगे तो आपको इसमें अदर स्टेट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप अगर गुजरात के अलावा अदर स्टेट से ही बिलोंग करते हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको जो है कंपनी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करती है या नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे गुजरात वाले स्टूडेंट को जो है यहाँ पे कंपनी 100% यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने ITI फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, डीजल पेंटर, वेल्डर, टू व्हीलर और ऑटो रिपेयरिंग में किया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल नहीं है और यहाँ पे ओनली गुजरात के कैंडिडेट ही यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यानी कि यहाँ पे गुजरात के कैंडिडेट ही एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में दोस्तों अगर आप अदर स्टेट के से बिलोंग करते हो तो उसका ऑप्शन भी आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे आपका जो अगर आपका जो यहाँ पे इस अपने एलिजिबिलिटी क्राइट एरिया के अनुसार यहाँ पे आप जो कंपनी के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो तो आपको जो है फर्दर प्रोसेस के लिए जो कंपनी यहाँ पे आपको कांटेक्ट करेगी, जैसे कि यहाँ पे आपका टेस्ट कैसे होगा और आपका इंटरव्यू कैसे होगा, इन सब के लिए कंपनी जो है यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे आपको इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, या फिर इसका फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं इन आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे इसको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे जाकर के आप सीधा इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे उस जैसे आप उस फॉर्म को ओपन करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा योर कम्प्लीट नेम। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन योर कम्प्लीट पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ पे आपका जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। आपको उस एड्रेस में अपनी तहसील लिखनी है, अपने गांव का नाम लिखना है और अपने सिटी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओनली गुजरात कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे आप अदर स्टेट का भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि MP, महाराष्ट्र, राजस्थान और अदर स्टेट। तो आप जो है अगर इन स्टेट से ही बिलोंग करते हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर कि कंपनी आपका फॉर्म जो है शॉर्ट लिस्ट करती है या नहीं करती है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पिन कोड। तो आपके इस एरिया का आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको आर यू फ्रॉम एनी कंटेनमेंट जोन और इफ़ एनी गवर्नमेंट बैरिकेटिंग इज़ डन नियर योर होम। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंटेनमेंट जोन से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, और आप नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ITI पासिंग ईयर। तो यहाँ पे आपने जिस भी ईयर में यहाँ पे आपने ITI पास कर रखी है आप जो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको जो है अपना मेंशन योर ट्रेड। तो आपने जिस भी ट्रेड में यहाँ पे जो ट्रेड दी हुई है उसमें अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे उस ट्रेड को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे करना है आपको मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपको जो है यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। नेक्स्ट आता है आपका मेंशन योर जेंडर। तो आपको यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको मेंशन योर करंट वेट। तो यहाँ पे आपको जो है आपका जो भी वजन है वो यहाँ पे आपको अपना वजन लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको आता हैव यू और एनी फैमिली मेम्बर ट्रेवल्ड टू आउट स्टेशन और अदर स्टेट इन लास्ट 15 डेज़। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके फैमिली मेम्बर या फिर आप 15 दिन के अंदर किसी दूसरे स्टेट में बिलोंग दूसरे स्टेट से ट्रेवल किए हुए है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर आपने ट्रेवल नहीं किया हुआ है तो आप पे आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा हैव यू विजिटेड एनी सस्पेक्टेड कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन इन लास्ट 15 डेज़ और विजिटेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आपसे
ये पूछा हुआ है कि आप जो है किसी कोरोना पर्सन से जो है यहाँ पे आप मिले हुए हो लास्ट 15 डेज़ के अंदर, या फिर आपने हॉस्पिटल में विजिट किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आपने ऐसा किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे वो आता है आर यू और एनी फैमिली मेम्बर सिक। तो यहाँ पे अगर आप बीमार हुए हो या फिर आपका फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो रखा है तो यहाँ पे आपको यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है ईमेल एड्रेस वाले सेक्शन में। नेक्स्ट जो आपका आता है यहाँ पे मेंशन योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे हो सके तो आपको जो है अपना मोबाइल नंबर जो है अपना व्हाट्सअप वाला मोबाइल नंबर डालना है, जिससे कि आपको कंपनी को कॉन्टैक्ट करने में आसानी रहे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मेंशन अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको एक अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी डालना है, ताकि कंपनी का अगर आपसे एक कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाए तो कंपनी आपको दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सके। इतनी डिटेल डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा हुआ है, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर इस फॉर्म को भरने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।